हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुदीने के एक पराठा जो कि बहुत ही टेस्टी होगा और विदाउट स्पाइसेस। मैं इसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं डालूंगी और जो भी होगा वो फ्रेश और रॉ थिंग्स पड़ेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो सबसे पहले मैंने ये 8 अंडे ले रखे हैं, पुदीना ले रखा है थोड़ा सा, हाफ टेबल स्पून के बराबर कलौंजी, 1 टेबल स्पून के बराबर अजवाइन, नमक एज पर योर टेस्ट, 1 टमाटर जो फाइनली चॉप किया हुआ है मैंने, 1 बड़ा प्याज जो फाइनली चॉप्ड किया हुआ है, और 5 से 6 चिली ग्रीन चिली ले रखा है मैंने। करीब 750 ग्राम के बराबर मैंने गेहूं का आटा ले रखा है। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप व्हीट फ्लोर यूज़ करते हैं तो आपका ये बहुत ही हेल्दी पराठा बनेगा। और पराठा बनाने के लिए ऑयल और पानी। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आटे को गूंद लेती हूँ और इस आटे में मैं जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डालती हूँ। तो ये कलौंजी डाल देते हैं, अजवाइन, नमक मैं थोड़ा सा ले रही हूँ करीब 1/2 टेबल स्पून के बराबर, और जो बाकी नमक है वो हम पराठे को आगे बनाने में यूज़ करेंगे, और ऑयल ऑयल करीब आप 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा नमक, ऑयल, अजवाइन और कलौंजी ये सारे आटा में मिक्स मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने आटे को इस तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम पानी दे करके आटे का डो बना लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आटे को गूंद लिया है, जिसका डो बना लिया है मैंने। तो ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना हुआ है। तो अब हम अपना अंडे का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले तवा स्टोव पर चढ़ा दे रही हूँ, ये तब तक गर्म होता है। और अब हम फ्रेंड्स मैंने ये ऑयल एक बोल में निकाल लिया, जिससे कि हमें पराठे बनाने में आसानी होगी। तो अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने ये लोई बड़े से बना ली है, आपको थोड़ा बड़ा ही लोई लेना होगा पराठे के लिए। तो मैं इसको बेल लेती हूँ रोटी की तरह, तो हम इसको रोटी की तरह बेलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक थोड़ी बड़ी सी रोटी बना ली है। अब इसके ऊपर हम ये रिफाइंड डालेंगे, स्प्रेड करेंगे रिफाइंड डालकर। इससे क्या होगा कि आपके परत अच्छे बनेगी। मैं परत वाली मुगलई पराठे की तरह मैं इसको फोल्ड करने वाली हूँ। तो इस तरह से तो फ्रेंड्स हम चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो चारों तरफ से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसको हम फिर से बेल लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको बेल लेते हैं। तो ये मैंने पराठे का शेप बना लिया है इस तरह से। तो ये पराठा मेरा बेल के तैयार हो गया है। अब मैं अंडा फेंट लेती हूँ। तो ये मैंने एक तोड़ करके डाल दिया इसमें। तो
अब हम इसमें जरा से चिली डाल देंगे। अगर आप हॉट खाना पसंद करते हो ज्यादा स्पाइसी तो आप ज्यादा चिली डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, प्याज, थोड़ी सी पुदीने की पत्ती हम इसमें डाल देंगे और जरा सा नमक डाल देते हैं। अब इसे मैं फोर्क के मदद से अच्छे से फेटूंगी। पहले हम अंडे को अच्छे से फेट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एग को फेंट लिया है सारी इंग्रेडिएंट्स को डालकर। अब हम फ्रेंड्स तवे पर इस पराठे को डालेंगे। तो आपको ये मेक श्योर हो जाना है कि जिस तरफ से हमने ये फोल्ड करा था उसको हम पहले इस तरह से डाल देंगे। तब तक मैं दूसरा पराठा तैयार कर लेती हूँ जब तक ये सिकता है। और फ्रेंड्स, आप अपना अपने तवे को हीट पर सीम पर रखें। सीम से थोड़ा ज्यादा आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा तेज आपको फ्लेम नहीं रखना है। तो अब मैं इसको पलट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है इसका परत आप देख सकते हो। तो इस परत को मैं अब इस चाकू की हेल्प से थोड़ा सा निकालती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ये परत खुल रहा है। उसे भी मैं आपको हीट बिल्कुल सीम पर ही रखना है। ये परत जो है तो हमारा खुल गया है। तो अब हम इसमें इस फेटे हुए अंडे को डाल देते हैं। आपका जो फ्लेम है वो बिल्कुल सीम पर ही रहना चाहिए क्योंकि हमारा ये अंडा भी पकना चाहिए। तो जस्ट ये जले नहीं इसलिए ये टाइम लेगा थोड़ा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके पराठे जले नहीं और अच्छे से कुक भी हो। तो अब हम इन परतों को इस पर से कवर कर देते हैं। तो ये इस तरह से हो गया है हमारा। जब तक हमारा पराठा तैयार होता है मैं एक दूसरे पराठे के लिए तैयारी कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके पलट लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल करके अब हम इसको सेकेंगे इस तरह से। बिल्कुल आपको इस पराठे को बनाने के लिए अपने गैस के फ्लेम को सीम पर रखना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक स्टोव यूज कर रहे हैं तो उसको भी आपको सीम पर रखना होगा ताकि ये जले नहीं। और जब मैं अब ये ऑयल डाल रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज कर दिया है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो। फ्रेंड्स, इसको पलट पलट के आपको सही ढंग से देखना है कि सब जगह से लग गया हो और ये आपका अच्छे से सिके। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पराठे देखिए पूरी अच्छे तरीके से सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे पराठों को हम तैयार कर लेते हैं। मैं दूसरे पराठे की तैयारी कर रही हूँ, बेल रही हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया है और बिल्कुल ध्यान से जिस तरफ से आपने ये परत डाले हुए हैं उसको ही पहले हमें तवे के ऊपर डालना है। तो इसलिए मैंने डाल दिया है और हमारा जो फ्लेम है वो सीम पर रहेगा। तब तक मैं अंडे को फेंट ले रही हूँ ताकि इसको भरा। फ्रेंड्स, हम अब सारे अंडों का पराठा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। तो अब आप फ्रेंड्स इससे एक मिंट एक पराठा को ट्राई करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं क्योंकि ये बहुत स्पाइसी नहीं है। और हमें शेयर, कमेंट एंड लाइक जरूर से करें और सब्सक्राइब भी करें।
ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट वीडियो।